हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल पर आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन 2018 का जो अपकमिंग एग्जाम है उसको टारगेट करके एक सीरीज प्रिपेयर की है। उसी सीरीज का ये 11th पार्ट है। 10 वीडियोस मैं आपको पहले दे चुका हूँ इस सीरीज के। इसमें प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के हो सकते हैं, आईबीपीएस क्लर्क के हो सकते हैं, एसबीआई क्लर्क के हो सकते हैं। आज का जो सेशन है इसमें आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस 2017 2017 के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं सभी वो लेके आए हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज डबल देन दैट ऑफ आर्टिकल बी। कॉस्ट प्राइस से जो ए की है वो बी से डबल है एंड शॉपकीपर मार्कअप बोथ द आर्टिकल्स 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, और मार्क प्राइस है वो 20% अप करके शॉपकीपर उस पे लिखता है। इफ एट द टाइम ऑफ सेल शॉपकीपर गेव ₹9 डिस्काउंट एंड अर्न 17% प्रॉफिट ऑन टोटल। ₹9 का डिस्काउंट देता है वो इस पूरे ट्रांजेक्शन में और 17% का प्रॉफिट फिर भी अर्न करता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल की आपको फाइंड करनी है। तो इसमें आप सपोज कर लें कि कॉस्ट सीपी ऑफ आर्टिकल बी दो है, इसमें 100 है मान लो, तो सीपी ऑफ ए कितनी हो गया, इससे डबल है तो 200 हो गए। और इसमें इसने क्या कहा है कि जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितनी आ गई 20% अप, तो इसके तो होगी 20% ऊपर करोगे 200 का 20% 40, तो ₹240 और इसके 100 का 20 और ₹120, ये मार्क प्राइस है। सेल प्राइस कितनी आई, वो कह रहा है कि 9 रुपए का डिस्काउंट है। 9 रुपए का डिस्काउंट है तो अपने इसमें मान सकते हैं कि इसमें 3 रुपए का इसमें है, इसमें एक तरह का 6 रुपए है, तो सेल प्राइस इसकी कितनी आ गई 117 और इसकी कितनी आ गई 234, ये सेल प्राइस है। और इसमें 17% प्रॉफिट है, मतलब ये 117 क्या है, 117% ऑफ सीपी, 117% ऑफ सीपी। तो इसमें आपको कुछ भी इक्वेट करने की जरूरत नहीं, 117 आपको पता है कि 117% ऑफ किसका है, 100% का। तो आर्टिकल ए की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100, तो दो बी बी की सॉरी बी की होगी 100 तो ए की होगी 200, और 200 ही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक कमिटी ऑफ 5 पीपल इज टू बी फॉर्म अमंग 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। मतलब टोटल क्या है, गर्ल्स हैं 4 और बॉयज हैं 5, ये कोई टोटल 9 लोगों का ग्रुप है और उसमें से एक आपको कमेटी बनानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल हैव लेस नंबर ऑफ बॉयज देन गर्ल्स। प्रोबेबिलिटी किसके लिए चाहिए आपको, लेस नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के कम होंगे। 5 लोगों की कमेटी की जो संख्या है टोटल 5 पीपुल, आपको 5 पीपुल चाहिए टोटल। अब इसमें लेस बॉयज, गर्ल्स ज्यादा होनी चाहिए, तो गर्ल्स कितनी हो सकती है, भी गर्ल्स 4 और बॉयज 1 हो सकती, एक लड़का हो 4 लड़कियां हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी, या गर्ल्स 3 हो और बॉयज 2 हो, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बनती नहीं। भाई गर्ल्स अगर ज्यादा होगी 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो क्या कंडीशन लग सकती है कि गर्ल्स लड़के और लड़कियां दोनों होनी चाहिए और लड़कियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए लड़कों से, तो 2 कंडीशन, तो या तो ये कंडीशन बनेगी और ये कंडीशन बनेगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो और इसकी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम बटा फेवरेबल आउटकम बटा टोटल आउटकम आउटकम। अब इसमें अपने देखेंगे टोटल आउटकम तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, टोटल आउटकम अगर मैं निकालूं तो टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम आपका आ गया, टोटल 9 लोग हैं और 9 में से आपको कितने चुनने हैं, 5, तो 9C5, यही टोटल आउटकम आ गया। तो 9C5 का मतलब 9 × 8 × 7 × 6 और फैक्टोरियल 5, और नीचे आपका आ गया फैक्टोरियल 9 - 5
और फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 तो कट गया, ये फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को आप 4 गुणा 3 गुणा 2 लिख लो, ये जो कट सकता है उसको काट दो, 4 और 2 8 कट गया, 3 और 2 6 कट गया, और ये कितना आ गया आपका 14, 9 126, तो टोटल आउटकम तो आपका 126 आ गया। अब फेवरेबल निकाल लो दोनों में, जब एक एक कंडीशन तो क्या बनी, चार लड़के और चार लड़कियां और एक लड़का, तो चार लड़कियां आपकी चार में से चार, तो ये आ गया 4C4 और एंड एक लड़का, एक लड़का कितने में से 5C1। दूसरी कंडीशन जो है और का सेंस है तो वो जुड़ जाएगी, वो कब क्या है, तीन लड़कियां चार में से 4C3 और दो लड़के पांच में से 5C2 और बटा 126, यही आपकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी जब आपको प्रोबेबिलिटी सॉरी। तो 4C4 तो क्या हुआ, 4C4 हो गया आपका एक, तो 4C1 हो गया, 5C1 हो गया पांच, एक इंटू पांच प्लस 4C3 कितना होता है चार और आगे आगे फैक्टोरियल तीन बटे दो, तो ये हो गया आपका, इसको आप हल करोगे तो फैक्टोरियल चार गुणा फैक्टोरियल तीन और नीचे चार में से तीन गया फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल एक ही हो गया फैक्टोरियल तीन, तो ये भी 4C3 भी 4 हो गया और 5C2 कितना हो गया 4 इंटू 5C2 आपका आ गया 5 गुणा 4 और गुणा फैक्टोरियल 3 और नीचे 5 में से 2 गए फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 हो गया 2, तो ये कट गया आपके, ये आपका आ गया 2, 5 गुणा 10, तो ये 40 और 5 45 बटा 126, 45 बटा 126 को आप अगर इसमें से कुछ और कट सकता है तो किससे कटेगा, 9 से आई थिंक कट जाएगा, तो 9 पंजो 45 और 14 9 126, तो 5 बटा 14 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साक्षी मैरिड 6 इयर्स अगो, साक्षी ने 6 साल पहले शादी की, टू डेज हर एज इज, मैं मान लेता हूं प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी, प्रेजेंट एज जो है एज ऑफ साक्षी आपकी ये होगी, प्रेजेंट एज ऑफ साक्षी को मान लो आप एक्स मान लिया आपने, ठीक है, और उसने क्या टूडे हैज एज इज 5 बटा 4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, टाइम ऑफ मैरिज क्या 6 साल पहले हुई है, तो मैरिज के टाइम उसकी एज थी एक्स माइनस 6, भाई 6 साल पहले तो आज एक्स है तो एक्स माइनस 6, और टूडे हर एज इज 5-4 टाइम्स ऑफ हर एज एट द, और आज की एज उसकी क्या है 6 साल पहले, जब साक्षी जो प्रेजेंट एज होगी और 6 साल पहले शादी हुई है और शादी के टाइम जो एज थी उसका 5 बटा 4 गुणा आज की प्रेजेंट एज है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू इसमें से आ जाएगी 5 बटा x, 5 बटा 4 x, तो ये हो गया आपका 1 बटा 4 x इज इक्वल टू 6 गुणा 5 बटा 4, 4 से 4 कट गया, x इज इक्वल टू 30, तो इसकी प्रेजेंट एज आपकी 30 साल आ गई, सन इज 1/5 ऑफ हर एज और सन से बेटे की कितनी आ गई 1 बटा 5 है तो 30 बटा 5 ये 6 साल आ गई। अब उसने क्या पूछा आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ साक्षी एज एंड हर सन एज आफ्टर 10 इयर्स, तो आफ्टर 10 इयर्स साक्षी की एज तो हो जाएगी x प्लस 10 और उसके बेटे की क्या हो जाएगी 6 प्लस 10, तो x आपका प्रेजेंट जो है 30 है तो 36:16, तो 36:16 को अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा 36 ही हुई क्या, प्रेजेंट एज 6 साल नहीं सॉरी आफ्टर 10 साल, तो 30 और 10 ये सॉरी 40 आ गया और ये 16 आ गया, तो 8 से मैं काटू 8 में जो 40 और 8 दूनी 16, 5:2 ये आंसर आ गया। मतलब इसमें आपको पूरा कंसेप्ट भी रहना है, जैसे जैसे वो कह रहा वो लिख लो, प्रेजेंट एज उसकी मान ली 6 साल पहले, 6 साल पहले इस जो एज आज है उससे 6 साल कम होगी और वो उसने क्या कहा है कि अब की जो एज है उससे 5 बटा 4 थी, तो अगर इक्वेट करेंगे अगर 6 साल पहले वाली एज को 5 बटा 4 से गुणा कर दोगे तो आज की एज के इक्वल हो जाएगी, दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेशन सोल्व कर लो और एक्स की एज आएगी। नेक्स्ट देखिए, ए बोट ट्रेवल 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टेक सेम टाइम एज इट ट्रेवल 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब इसमें बोट एंड स्ट्रीम में हमेशा आप एक ही जो वो माना करो उनको, जैसे बोट्स स्पीड मैंने मान ली, बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, ये हमेशा आप x मानिए जो भी आप मान रहे हैं x, और बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम स्पीड इसको y मान लो,
राइट। अब अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड तो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, x माइनस वाई। भाई अपस, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, अपस्ट्रीम स्पीड में तो ये घट जाएगा और डाउन स्ट्रीम में ये जुड़ जाएगा। भाई अपस्ट्रीम स्पीड, जब धारा के विरुद्ध आप तैरोगे तो धारा की जो गति है वो आपके हेडल डेवलप करेगी, मतलब वो माइनस हो जाएगी इसमें से, और धारा की गति के साथ, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की गति के साथ आप तैर रहे हो तो वो जुड़ जाएगी। ये चीजें एक्स और वाई आप यही हमेशा माना करो। अब इसमें इसने क्या कह दिया है कि बोट ट्रेवल 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टेक सेम टाइम 60 किलोमीटर। टाइम इज इक्वल टू, टाइम इक्वल है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें दिया है टाइम किसका, 75 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 75 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड होगी एक्स माइनस वाई। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम तो ये होगी एक्स माइनस डाउन स्ट्रीम, तो एक्स प्लस वाई। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ एक्स प्लस वाई, इज व्हाट परसेंट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो एक्स प्लस वाई बटा एक्स इंटू 100 ये आपसे फाइंड करवाए। तो आप इसमें देख लें, इसको आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। जैसे इसको मैं देखूं तो पहले तो 15 से काट लीजिए, 15 5 75, 15 4 60, ये 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y, 5x में से 4x गया x और ये हो गया 9y, x इज इक्वल टू 9y, ये आपके इसमें ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 9y मैं इसमें अगर रखता हूं तो क्या आ जाएगा, 9y प्लस y, तो ये ऊपर तो 10y हो गया और नीचे 9y हो गया और इंटू 100, तो y से y कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा आपका 1000 बटा 9, तो ये आपका 111 सही 1/9% इसी को टिक कर, 111 का हो गया ना 1000/9। नेक्स्ट देखिए, 15 मैन क्वेंट डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स दिन, 15 मतलब वो टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो वो क्या है, 15 गुणा एक्स, इतनी मैंडेज, 15 गुणा एक्स मैंडेज होगी, और फिर 21 वुमेन कैन डू द डू ए पीस ऑफ वर्क इन एक्स माइनस 4 डेज, और यही आपका है 21 औरतें कितनी इनटू एक्स माइनस 4, ये भी टोटल वर्क आ गया, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। एंड 35 मैन, तीसरा उसने दिया कि 35 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन वाई डेज, 35 वाई डेज में करते हैं, ये तीसरी आ गई, और 63 वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, 63 वुमेन कैन डू इन वाई माइनस 4 डेज, मतलब ये आपके 15 जो है, 15 मैन है, इतने 15 एक्स मैन डेज और 21 इंटू एक्स माइनस 4 ये इतना वुमेन डेज, और ये फिर आपका 35 गुणा ये वाई जो है, ये फिर इतना मैन डेज और इतना वुमेन डेज, ये एक रिलेशन आ गए आपके 4। अब ये सभी टोटल वर्क, एक ही वर्क है जो उसका टोटल क्वांटम हो गया है। अब मैं पहले और तीसरे को इक्वेट करूं, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड करूं मैं, क्योंकि ये दोनों मैंडेज है, तो मैंडेज मैंडेज तो आपस में कट गया और ये आ गया 15x इज इक्वल टू 35y, तो ये आपका 5 दिए 15 और 5 7 35 और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/7x, y इज इक्वल टू 3/7x आ गया। और अब 2 और 4 को अगर मैं इक्वेट करूं, 2 इज इक्वल टू 4 तो क्या आ जाएगा, 2 क्या है, 21 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू वुमेन, वुमेन डेज तो कट जाएगा आपस में 63, वाई माइनस 4, वाई की जो वैल्यू है वो एक्स की फॉर्म में रख दीजिए, अगर वाई की वैल्यू आप रखेंगे तो ये 3/7 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 21 एक्स माइनस 4, इसमें आप इसको सिंपलीफाई, आप सिंपलीफाई करें, बिल्कुल सिंपल है, 21/63 ये कट गया, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सोल्व हो जाएगा, x इज इक्वल टू 28 डेज, यही आपका आंसर आ गया। ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, अगर सेशन अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए प्लीज सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।